हाँ, आज के बड़े अनुमान मध्य प्रदेश चुनाव विधानसभा। हाँ, आप देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल रेट। कोई महत्वपूर्ण खबर आती है सबसे पहले प्रदान करवाई जाती है। अभी अभी बड़े बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर सामने आ चुकी है। हाँ, अब कौन बनेगा प्रदेश का मुख्यमंत्री। हाँ, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा रिलेटेड न्यूज निकल कर सामने आ चुकी है। क्या बीजेपी मार जाएगी बाजी या कांग्रेस का बनेगा मुख्यमंत्री, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री। चलिए हम जानते हैं, एग्जिट पोल के माध्यम से अनुमान लगाए गए हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आप उसके हिसाब से अपना अनुमान भी कमेंट में जरूर लिख दें। सबसे पहले आता है बीड़ जिला। हाँ, कुल सीट है 5, कांग्रेस प्राप्त कर सकती है 2 सीटें और बीजेपी 3 सीटें प्राप्त करने का अनुमान लगाया जा रहा है। रायसेन जिला, कांग्रेस 1, बीजेपी 3 सीटें प्राप्त करने का अनुमान लगाया जा रहा है। कुल सीटें हैं 4 रायसेन जिले में। इसके बाद आता है सतपुरा जिला, इनमें कांग्रेस 3, बीजेपी 3 और अन्य पार्टियों को 0-0 सीटें प्राप्त होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कुल सीटें हैं 6। उसके बाद बात करते हैं मुरैया जिला, इनमें कुल सीटें 6, कांग्रेस 4, बीजेपी 1, बीएसपी 1, अन्य पार्टी 0 सीटें प्राप्त करने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं बात करें बालघाट जिला, बालघाट जिले में कांग्रेस 4, बीजेपी 2, अन्य पार्टियों को 0-0 सीटें प्राप्त होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कुल सीटें हैं 6। उसके बाद आता है जबलपुर, जबलपुर में कुल सीटें 8, कांग्रेस प्राप्त कर सकती है 3, बीजेपी 4 और अन्य पार्टी 1, बीएसपी 0। हाँ, कुल सीटें रहेंगी 8, प्राप्त करने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं बात करें कटनी जिला, कटनी जिला में कांग्रेस 2, बीजेपी 2, अन्य सभी पार्टियां 0 पर रह जाएंगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसके बाद बात करें इंदौर, इंदौर में कुल सीटें हैं 9, जिसमें कांग्रेस प्राप्त कर सकती है 4, बीजेपी प्राप्त कर सकती है 3, अन्य पार्टियां प्राप्त कर सकती है 2, कुल सीटें रह सकती हैं 9। इसके बाद प्राप्त करें छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा में कांग्रेस 4, बीएसपी 0, बीजेपी 3, कुल सीटें रहेंगी 7, प्राप्त करने का अनुमान लगाया जा रहा है, अन्य पार्टियां 0। हाँ, यह सिर्फ अनुमान लगाए जा रहे हैं। इसके बाद बात करें सीहोर, सीहोर जिले में कांग्रेस 3, बीजेपी 1, अन्य पार्टियां 0 प्राप्त सीट करने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके बाद आता है अपना उज्जैन जिला, उज्जैन जिला में कुल सीट हैं 7, कांग्रेस प्राप्त कर सकती है 5, बीजेपी प्राप्त कर सकती है 1, अन्य पार्टियां यानी अदर्स पार्टियां प्राप्त कर सकती है 1 सीट। इसके बाद आता है देवास जिला, देवास, देवरा जिला, देवरा में 5 सीटें और कांग्रेस प्राप्त कर सकती है 3, बीजेपी प्राप्त कर सकती है 2, अन्य पार्टियां 0 प्राप्त सीटें प्राप्त कर सकती है, सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं बात करें ग्वालियर जिले, ग्वालियर जिले में कांग्रेस 2, बीएसपी 1, बीजेपी 3 और अन्य पार्टियां 0 पर सिमट रह सकती है। उसके बाद आता है राजगढ़ जिला, राजगढ़ जिले में कांग्रेस 1, बीएसपी 1, बीजेपी 1, ओटीएच यानी आदर्श 2 प्राप्त करने का अनुमान लगाया जा रहा है। विधानसभा जिला, विधानसभा जिला में कांग्रेस प्राप्त कर सकती है 2, बीजेपी 3, अन्य पार्टियां प्राप्त कर सकती है 0 सीटें। वहीं बात करें सीवानी, सीवानी जिले में कांग्रेस 2, बीएसपी 0, बीजेपी 0, बीजेपी 2 और अन्य पार्टियां 0 प्राप्त करने का अनुमान लगाया जा रहा है। बड़वानी, बड़वानी में अनुमान लगाया जा रहा है कि 4 सीटों में से कांग्रेस 3 प्राप्त कर सकती है, बीजेपी 1 प्राप्त कर सकती है। वहीं बात करें शिवपुरी में अनुमान लगाया जा रहा है 5 सीटों में से 2 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 1 बीएसपी प्राप्त कर सकती है, 2 बीजेपी प्राप्त करने का अनुमान लगाया जा रहा है। सागर जिले, सागर जिले में कुल सीटें रह सकती हैं 8, कांग्रेस प्राप्त कर सकती है 4, बीएसपी 1, बीजेपी प्राप्त कर सकती है 2 सीटें, अन्य पार्टियां 1 सीटें प्राप्त करने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं बात करें बैतूल जिले, बैतूल जिले में कांग्रेस 1, बीजेपी 2 और अदर्स यानी अन्य पार्टियां प्राप्त कर सकती है 2 सीटें, कुल सीटें हैं 5। सिद्धि जिले में कुल सीटें हैं 4, बीजेपी 1, बीजेपी 2, अन्य पार्टियां 1, कांग्रेस 1 पार्टी 1 सीट प्राप्त करने का अनुमान लगाया जा रहा है। भोपाल जिले में 7 सीटें हैं, 7 में से
ये 4 कांग्रेस और 3 बीजेपी प्राप्त करने का अनुमान लगाया जा रहा है। सताना जिला में 7 सीटों में से 2 बीजेपी, 3 बीजेपी, 1 बीएसपी, 2 कांग्रेस, 1 अन्य पार्टी सीटें प्राप्त करने का अनुमान लगाया जा रहा है। थार जिले में कांग्रेस 2, बीएसपी 0, अन्य पार्टी 1, बीजेपी 4 सीटें प्राप्त करने का अनुमान लगाया जा रहा है। आपके हिसाब से कमेंट में लिख दें कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। धन्यवाद। और कोड़ी बड़ी रिपोर्ट आएगी प्रधान।